जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आया हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गलती हो गई है जिस गलती के चलते मरहूम इंदिरा गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया था और उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी गई थी, जिसके चलते उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। क्या प्रधानमंत्री ने वैसी ही कुछ गलती कर दी है, यह हम आपको बताने वाले हैं और इस बहुत बड़ी प्रस्तुति में आपको मेरे साथ रहना होगा। मगर उससे पहले मेरा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री, आप रैम्बो हैं क्या या फिर एवेंजर्स के एंड गेम के थैनोस हैं? जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि हॉलीवुड में काल्पनिक पात्र है जिसका नाम है रैम्बो, और रैम्बो जो है अपनी फिल्मों में अकेला सीमा पार करके दुश्मन को तबाह करके वापस आ जाता था। मगर आज जो मैं सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री आप क्या रैम्बो हैं, आपको सुनना पड़ेगा कि आज तक के इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा तो उनकी मुसीबत यह है कि न वो बोल भी पाते हैं न नकार भी सकते हैं। तो सुना आपने, मैंने जाकर हमला किया। मैं, ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, कूट कूट कर भरा हुआ है। यहां पर दो दिक्कतें हैं। सबसे पहले मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देश की सेना की तौहीन की है, क्योंकि आप देश की सेना नहीं हो सकते। मोदी इज नॉट इक्वल टू आर्मी। दूसरी बात, एक बार फिर देश का चुनाव आयोग सो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्धा से शुरू हुए थे, अब तक अपनी हर रैली में चुनाव आचार संहिता को ताक पर रख रहे हैं। अभी हाल ही में बनारस में उन्होंने कहा था कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उसके जवाब में 42 आतंकवादियों को उसी इलाके में मार दिया गया था। यानी कि बार बार वो पुलवामा का नाम ले रहे हैं। इंटरव्यूज में इस तरह से खुलेआम वो खुद को आर्मी के बराबर रख रहे हैं, मगर ना मीडिया से को इससे कोई फर्क पड़ रहा है ना इलेक्शन कमीशन को। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो अपने आप में बहुत गंभीर है दोस्तों। वो ये कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की सदस्यता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, वही अपराध, वही गलती संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आचार संहिता क्या होता है दोस्तों, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आचार संहिता यह कहता है कि मंत्रीगण अपना राजनीतिक काम अपने आधिकारिक काम के साथ नहीं मिलाएंगे, दोनों में एक तरह से समावेश नहीं होगा, ना ही चुनावी काम के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, स्क्रोल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्क्रोल वो एक खबर लेकर आया है जो बहुत गंभीर है, जिस पर आपको गौर करना होगा। स्क्रोल के मुताबिक उन्होंने एक ईमेल देखा है, और यह ईमेल किसने लिखा है, यह ईमेल लिखा है पिंकी कपूर ने, जो कि नीति आयोग की एक अधिकारी हैं। यह उन्होंने तमाम मुख्य सचिवों, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें लिखा है, और यह तब लिखा गया है दोस्तों जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। 8 अप्रैल को यह ईमेल लिखा गया है, और यह ईमेल क्या कहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में है, आप देखिए। The Honorable Prime Minister is likely to visit UTs, Union Territories, very shortly. The Prime Minister's office has desired a write-up on the following by 2 p.m. tomorrow evening, which is 9/4/2019, on the following. Pradhan Mantri Narendra Modi, kal 2 baje tak, 9/4/2019, yani 9 April tak, 2 baje tak, in muddon par ek write-up chahte hain. कौन से राइटअप्स चाहते हैं वो? हाइलाइट्स एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूटीज, हिस्टोरिकल लोकल हीरोज, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक,
तमाम चीजें, तो ये कोई और नहीं बल्कि पिंकी कपूर मान रही हैं। इसके अलावा 31 मार्च को गोंदिया की कलेक्टर कादंबरी बलखावाड़ जो हैं, उन्होंने वो नीति आयोग को जवाब भी देती हैं, और जो वो जवाब देती हैं दोस्तों किस सब्जेक्ट के साथ देती हैं वो भी देखिए। राइट अप इंफॉर्मेशन फॉर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंदिया में रैली की थी। साफ तौर पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अब चुनाव आचार संहिता का अगर आपने उल्लंघन किया है, देखिए चुनाव आयोग के पास अपनी कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती है, लिहाजा वो ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री को जो है उनको एक उनकी निंदा कर सकता है, 40 से 70 घंटों तक उनकी कैंपेनिंग पर रोक लगा सकता है। हालांकि वो भी नहीं कर रहा है, वो लगातार वो सेना का मुद्दा उठा रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर पूरी तरह से खामोश है। मगर प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल कहां से पेश आती है? प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल पेश आती है कि क्या प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। The Representation of People's Act 1951 is an act of Parliament to provide for conduct of elections for the Houses of Parliament and to Houses or Houses of the Legislature of each state. The qualifications and disqualifications for members of those houses, the corrupt practices and other offices at or in connection with such elections and the decisions of doubts and disputes arising out of or इन कनेक्शन फॉर सच इलेक्शंस। दोस्तों दिक्कत यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मरहूम इंदिरा गांधी ने इसी एक्ट का उल्लंघन किया था, मगर उससे पहले मुझे आपको बताना होगा इंदिरा गांधी की कहानी। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद, जब बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव लड़ती हैं और उन्हें 352 सीटें हासिल होती हैं। बरेली में उनका मुकाबला होता है इस शख्स राजनारायण के साथ। अब राजनारायण जो हैं, इंदिरा गांधी को चुनौती देते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। किस मुद्दे पर? कि इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन किया था। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों इंदिरा गांधी के मामले में क्या हुआ था कि उन्होंने एक सरकारी अफसर यशपाल कपूर की नियुक्ति की थी। यशपाल कपूर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम कर रहे थे और यशपाल कपूर को नियुक्त किया गया था कैंपेन ऑर्गेनाइजर के तौर पर, यानी कि जो चुनावी अभियान चलता है उसके ऑर्गेनाइजर के तौर पर। यही नहीं, पुलिस प्रशासन सब पर दबाव बनाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, उनके कार्यालय द्वारा, कि आप मुहैया कराएं चीजें। ठीक है, अब जब यह मामला अदालत के सामने पहुंचा तो अदालत के सामने यह मुद्दा था कि क्या यशपाल कपूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यशपाल कपूर ने बेशक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, किसी गलती के चलते उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और उसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह पाया। June 12, 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट फाउंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज गिल्टी अंडर सेक्शन 123(7)(a) ऑफ द एक्ट, और 6 साल तक दोस्तों उन पर किसी भी तरह के सरकारी पद को ग्रहण करने की रोक लगा दी गई। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यह सेक्शन है क्या, तो सेक्शन 123(7)(a) जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, ये क्या कहता है इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए। सेक्शन 123(7)(a) ऑफ द एक्ट व्हिच डीम्स इट अ करप्ट प्रैक्टिस फॉर एनी कैंडिडेट और देयर एजेंट और एनीवन एक्टिंग विद द कैंडिडेट्स कंसेंट टू ऑब्टेन एनी असिस्टेंस फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर इन फर्दरेंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इलेक्शन। यानी कि इंदिरा गांधी ने एक सरकारी अफसर का इस्तेमाल किया था अपने राजनीतिक काम को, अपने चुनावी काम को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप इसे
तुलना कीजिए स्क्रोल के इस आर्टिकल के साथ। स्क्रोल का यह आर्टिकल स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री की चुनावी रैलीज के लिए जानकारी जुटाने के लिए नीति आयोग के इस अधिकारी का इस्तेमाल किया, जिसने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, कलेक्टर्स को खत लिखा कि आप हमें जल्द इंफॉर्मेशन मुहैया कराएं। वहां पर तो सिर्फ एक यशपाल कपूर था, मगर यहां आप देख रहे हैं पूरे तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों यही नहीं, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग ने, प्रधानमंत्री ने जितने भी उल्लंघन किए हैं चुनाव आचार संहिता के, उस सबको नजरअंदाज कर दिया है। इंदिरा गांधी ने उसके बाद जून 25 को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। प्रधानमंत्री, आपको तो आपातकाल लागू करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ये जो तमाम उल्लंघन कर रहे हैं उस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। मसलन स्क्रोल का आपने आर्टिकल देखा, इसके अलावा मैं जबकि आपसे ये बात कर रहा हूं, ये मुद्दा आपके सामने उठा रहा हूं जो अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। खुद इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि इंदिरा गांधी का जुर्म तो बहुत कम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गलती की है उसके सामने, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में इतना कमजोर, इतना बेबस चुनाव आयोग कभी नहीं रहा है। जी हां, वो योगी आदित्यनाथ या वो सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ एक्शन उठाता है, मगर जब अमित शाह और प्रधानमंत्री की बात आती है तब पूरी तरह से खामोश हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि वर्धा में जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसके बाद जो उनकी शिकायत की गई थी, अब तक चुनाव आयोग ने जो है सवाल नहीं पूछा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब तलब नहीं किया है, इस तरह का खौफ है। दोस्तों, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर खत्म नहीं होता है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे। उनका यह कहना है कि चुनाव के अंतर्गत आपके जो पोल एक्सपेंसेस होते हैं 70 लाख के होते हैं, मगर प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन के दिन जिस तरह का रोड शो किया, जिस तरह से देश भर से चार्टर्ड फ्लाइट्स में भर के बड़े बड़े नेता आए, स्टार और नॉन स्टार कैंपेनर्स, तमाम लोग पहुंचे, जिस तरह से खाने के डिब्बे वहां बंटवाए गए, जिस तरह से बनारस के बाहर लोग आए, इसमें जो खर्चा हुआ है, आम आदमी पार्टी का दावा है 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है, करीब 1,27,00,000 का खर्चा हुआ है। वो तस्वीरें आपको याद होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो भव्य तस्वीरें आप तमाम न्यूज चैनल्स पर देख रहे थे। आप खुद जानते हैं उन तस्वीरों को देखकर कम से कम 70 लाख में तो वो खर्चा नहीं हो सकता था। आप सुनिए संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, वो क्या कह रहे हैं। उनके आने जाने में न्यूनतम जो हम लोगों ने निकाला है वो 8 घंटे का समय लगा एक निजी विमान में, जो उसका रेट है वो है 2.25 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक प्रति घंटा किराया। फिर एयरपोर्ट पे जब आके फ्लाइट रुकती है, लैंड करती है, उसका खर्चा लगता है पार्किंग का। दूसरा, करीब करीब 100 इनके नेता ऐसे हैं जो जहाजों से आए यहाँ पे, उसका खर्चा जुड़ेगा 20 लाख के करीब। 2000 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि होटल्स में रुके, ट्रेन से आए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से, उनका औसतन 1000 रुपए भी अगर खर्चा मान लीजिए तो 20 लाख रुपए वो खर्चा है। ऐसे ऐसे करके हमने 200 के करीब हमने वाहन जोड़ा है, जो कि बहुत कम है मेरे ख्याल से, इससे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 2500 से 3000 चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से भी करीब करीब ये 6 लाख रुपए होता है। इसी तरह से 5000 खाने का पैकेट होगा तो बहुत भारी संख्या में, लेकिन हमने उसको सिर्फ 5000 खाने का पैकेट रखा तो भी वो 5 लाख रुपए के करीब होता है। टोपी, झंडा, बैनर, फूल, माला, अन्य प्रचार सामग्री, इसको भी हमने 5 लाख रुपए रखा है। ये बहुत न्यूनतम है, मतलब इससे भी ज्यादा होगा। सोशल मीडिया के प्रचार में 2 लाख रुपए, साउंड सिस्टम में करीब 2 लाख रुपए, ट्रेन की यात्रा में जो लोग बाहर से आए उसमें करीब 20 लाख रुपए, और जो निजी विमान से ये लोग आए इसमें करीब करीब 64 लाख रुपए का खर्चा है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना चुनाव शुरू करने से पहले सिर्फ नामांकन जुलूस में
1,27,00,000 रुपए का व्यय कर दिया। चुनाव आयोग लगातार खामोश है, कांग्रेस खुद इस मुद्दे को लेकर अदालत जा रही है क्योंकि वो जानती है कि चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं करेगा। मगर इसमें सबसे बड़ी कैजुअल्टी है देश का प्रजातंत्र, क्योंकि आप देख चुके हैं मुख्य धारा का मीडिया जो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है वो ऐसे तमाम मुद्दों पर खामोश है। जो छोटे छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोगों से जुड़े मुद्दे आपके सामने ला रहे हैं, और हमने आपको बताया, आपके सामने तथ्यों के साथ बात रखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस वक्त गैजेटेड ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया है, इसकी तुलना की जा सकती है इंदिरा गांधी से जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, और नतीजा जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। मुझे यह लगता है कि इस मुद्दे पर सावगोई से, पारदर्शिता से बात सामने उभर कर आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश रह गए, अगर चुनाव आयोग खामोश रह गया, तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा हमारी डेमोक्रेसी पर। और मुझे यह कहते हुए रत्ती भर भी हिचक नहीं है कि हम एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, हमारा प्रजातंत्र पूरी तरह से एक छलावा बन के रह जाएगा अगर ये मुद्दे देश की जनता के सामने ना आए। हकीकत यह है कि ये तमाम चीजें आपके सामने उभर कर आ रही हैं, मगर इस पर सवाल करने वाला कोई भी नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप सबसे मेरी अपील कि बोल के लब आजाद हैं कि इस एपिसोड को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।